हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेटेस्ट एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरीज लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हेनरीज लॉ। हम बात कर रहे थे कि हेनरीज लॉ क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, और इसके अलावा इसके आगे हम ये बात करना स्टार्ट कर चुके हैं कि हेनरीज लॉ का डिफरेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री स्पेशली सॉल्यूशन क्या इम्प्लीमेंटेशन है, व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द हेनरीज लॉ। तो जब हम बात करेंगे हेनरीज लॉ की, तो हेनरीज लॉ मेनली फोकस करता है कि गैस और लिक्विड का जो सोल्यूशन है वो कैसे वर्कआउट होता है, वो कैसे वर्क करता है। तो हमने बताया कि हेनरीज लॉ में ये होता है कि किसी निश्चित आयतन के द्रव में जो गैस डिजॉल्व है उसका जो द्रव्यमान है वो उस गैस के आंशिक दाब के अनुपातानुपाती होता है। ये बेसिक कंडीशन, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। हम यहाँ पर उसकी लिमिटेशन की बात करेंगे, यानी लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या, तो इसका मतलब क्या है कि किन किन कंडीशंस पे, किन किन चीजों पर हेनरी के नियम का प्रभाव पड़ता है। तो पहली सीमा ये है कि हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है। इसका मतलब क्या है कि पहला जो इसकी लिमिटेशन है वो कहती है कि हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि यह नियम केवल ऐसे द्रवों व गैसों के लिए मान्य है जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है, यानी कि ऐसी गैसें जो आदर्श गैस समीकरण को फॉलो करती हैं, उनके लिए मान्य है। दूसरा, यह नियम केवल ऐसे द्रव और गैसों के लिए मान्य है जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। मतलब कि हम इसी ऐसे द्रव और गैस जो आपस में अभिक्रिया करके कोई दूसरी चीज बना लेते हैं, उन पर हेनरी का नियम फॉलो नहीं होता है, उनके हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात कहता है कि या गैस उन गैसों के लिए लागू नहीं होता है जो जल या अन्य द्रव में घुलकर आयनों में विघटित होते हैं। वेरी गुड। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये नियम ऐसे द्रवों तथा गैसों के लिए मान्य नहीं है जो आयनों में विघटित हो जाते हैं।
ये तीन लिमिटेशन है। अगर ये लिमिटेशंस फॉलो हो गई, मतलब अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी सॉल्यूशन में फॉलो हो गई, जिस सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, तो वहां हेनरी का नियम वर्क नहीं करेगा। पहला नियम कहता है कि ये आदर्श गैसों के लिए मान्य है। आदर्श गैस कौन? आदर्श गैस वो जो PV=nRT के इक्वेशन को फॉलो करती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यह नियम केवल ऐसे द्रव और गैसों के लिए मान्य है जो क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करके कोई तीसरा प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये कहता है कि ये नियम ऐसे द्रवों तथा गैसों के लिए मान्य है जो जल में या अन्य द्रवों में आयनों में विघटित नहीं होते। सपोज करिए अगर आपके पास NaCl है, तो आपको पता है कि ये विघटित होकर के Na+ और Cl- देता है। तो अगर इस तरह का विघटन हो रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक कर जा रहे हैं, तो वहां पर हेनरी का नियम वर्क नहीं करेगा। ठीक बात है, अगर आयन में विघटित नहीं हो रहे हैं तो ही हेनरी का नियम वर्क करेगा, अदरवाइज हेनरी का नियम वर्क नहीं करेगा। दैट आर द लिमिटेशंस ऑफ द हेनरीज इक्वेशन, या सॉरी हेनरीज रूल, हेनरी के नियम की ये सीमाएं। तो यहां पर आकर के हेनरी का पूरा जो नियम था, जो सॉल्यूशन पे फॉलो कर रहा था, वो क्या स्टेटमेंट था, उसका क्या मतलब था और उसकी क्या लिमिटेशंस थी, ये हमने कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टाइप के जो है टॉपिक पे, जो हमारा कहता है कि हम ठोस के साथ अगर विलयन बनाए तो वो कितने तरह का बनेगा और वो कैसा बनेगा। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो टॉपिक है सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन। टॉपिक है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन। ठीक है, ओके। ठोस विलयन में कहता है, पहले तो आप ये जानिए कि ठोस विलयन है क्या। दो या दो से अधिक ठोसों के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कौन सा विलयन कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समान मिश्रण को, दो या दो से अधिक समान मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। समान मिश्रण होमोजेनियस, यानी कि दो या दो से अधिक, ये पॉइंट आप इसको मार्क करिए कि दो होना चाहिए या दो से ज्यादा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, तो भैया समान मिश्रण होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। ये पॉइंट है कि अगर दो या दो से अधिक कैसा हो, समान मिश्रण हो, तो ही वो क्या कहलाता है बेटा, तो वो कहलाता है ठोस विलयन कहलाता है। तो ठोस विलयन के लिए तीन कंडीशन बन रही। पहला, दो या दो से अधिक हो, क्या दो या दो से अधिक समान मिश्रण को, दो या दो से अधिक ठोसों के समान मिश्रण को, किसके, तो ठोसों के। यानी कि जो इसमें विलायक होगा और जो विलेय होगा, दोनों क्या होगा बेटा, तो दोनों क्या होंगे, ठोस होंगे। और इनका जो मिश्रण होगा वो कैसा होगा बेटा, तो वो होगा समान। बस विलयन और विलायक कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, और उनका जो मिश्रण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, उनका मिश्रण समान होना चाहिए। तो समान होने की कंडीशन पर दो या दो से अधिक ठोस विलायक और विलेय का जो आपका जो
उनका प्रकृति होनी चाहिए वो ठोस होनी चाहिए और उनका जो मिश्रण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। ओके, इसके बाद आता है कि इसमें डिफरेंट टाइप के ठोस विलयन आते हैं, हम एक एक करके सबको समझेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले आता है प्रतिस्थापी ठोस विलयन। प्रतिस्थापित ठोस विलयन क्या है? इस प्रकार के विलयनों में एक ठोस पदार्थ के जालक में उपस्थित कुछ संघटक या कण किसी अन्य पदार्थ समान कणों में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ओके, बात पॉइंट ध्यान से उठाइए कि प्रतिस्थापित ठोस विलयन समझिएगा। अगर हम पहले हम डिफिनेशन में नहीं जा रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर एक बताते हैं और इस स्ट्रक्चर को बताइए कि ये किसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जिसमें इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है ठोस। तो ठोस के साथ कंडीशन ये है कि ये सॉलिड इसीलिए बनते हैं क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच की जो गैप होती है वो नगण्य होती है, बहुत ठोस होती है। या जो कहिए कि इनका जो टाइम के साथ में या फोर्स के साथ में जो डिस्प्लेसमेंट है परमाणुओं का वो क्या होता है, तो वो होता है जीरो। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, परमाणु नहीं मूव करेंगे, तो इनका क्या होगा, ये सॉलिड स्ट्रक्चर में बने रहेंगे। आपको समझना है कि जब ये सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया तो अब यहाँ पे कंडीशन ये आ रही है, कंडीशन ये बोलती है कि इस तरह का जो ठोस है, एक ठोस ये है और इसमें जब दूसरे ठोस का एंट्री करेगा तो इसके जो परमाणु होंगे वो जगह जगह से क्या होंगे, विस्थापित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। कोई यहां से विस्थापित हो गया, कोई यहां से विस्थापित हो गया, कोई यहां से विस्थापित हो गया। ठीक है, ये ठोस नंबर वन है और ये जो आपके ब्लैक से दिख रहे हैं ये आपके ठोस नंबर टू है। अब इनका जो मिश्रण होगा वो कैसा होगा, प्रतिस्थापी ठोस विलयन होगा। प्रतिस्थापी मतलब, प्रतिस्थापी का मतलब हो गया एक के स्थान पर दूसरा। यानी इस विलयन का, ये विलयन तभी बनता है जब एक प्रकार के ठोस को दूसरे प्रकार का ठोस विस्थापित करता है। यानी एक प्रकार के ठोस दूसरे प्रकार के ठोस से के, एक प्रकार के ठोस के अणु या परमाणु दूसरे प्रकार के ठोस के अणु या परमाणुओं से क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। तो क्या होता है, ये प्रतिस्थापित ठोस विलयन। लिखते तो डेफिनेशन, प्रतिस्थापित ठोस विलयन में प्रतिस्थापित ठोस विलयन में क्या होता है, प्रतिस्थापित ठोस विलयन में एक प्रकार के ठोस के अणु या परमाणु दूसरे प्रकार के अणु अथवा परमाणु के द्वारा विस्थापित होते हैं। प्रतिस्थापित ठोस विलयन में एक प्रकार के ठोस के अणु अथवा परमाणु दूसरे प्रकार के ठोस
दूसरे प्रकार के ठोस के अणु अथवा परमाणु के द्वारा विस्थापित होते हैं, और विस्थापित होकर के क्या बनाते हैं, तो प्रतिस्थापित ठोस विलयन बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये बात हुई। अब इसमें ये जो पहला ठोस है ये क्या होगा, विलायक होगा, और ये जो दूसरा ठोस होगा ये क्या होगा, विलेय, ठीक है ना। आप ये स्ट्रक्चर एक बार समझिए कि विलायक के जो एक प्रकार का ठोस आपका विलायक हो गया, दूसरे प्रकार का ठोस आपका क्या हो गया, विलेय हो गया। तो जो पहले प्रकार का ठोस है उसके अणु और परमाणु दूसरे प्रकार के जो यानी कि जो विलेय है उसके अणु या परमाणुओं द्वारा क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। और इस प्रकार इस विस्थापन की प्रक्रिया के बाद जो विलयन बनता है उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापी ठोस विलयन। आगे चलिए, प्रतिस्थापित ठोस विलयन के उदाहरण। प्रतिस्थापित ठोस विलयन के उदाहरण पहला है पीतल, दूसरा है कांसा, तीसरा है मोनल धातु। ठीक है, ये क्या है आपके प्रतिस्थापित ठोस विलयन के उदाहरण। इनमें क्या होता है, इनमें होता यह है कि जो सॉल्वेंट ठोस है, ठोस सॉल्वेंट है, ठोस सॉल्वेंट के अणु या परमाणु वो दूसरे जो मतलब विलायक सॉल्वेंट जो है, ठोस सॉल्वेंट के अणु या परमाणु विलेय सॉल्वेंट ठोस विलेय के अणु या परमाणुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ये आपका ठोस है, ये आपका ठोस विलयन है, कब ये ठोस विलयन बनेगा, ये तब ठोस विलयन बनेगा जब इसके अणु या परमाणु किसी दूसरे अणु या परमाणुओं द्वारा क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये ठोस विलायक है, और ये क्या है, ये ठोस विलेय, और इन दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या है, ठोस विलयन, ठीक है, ओके। ये बात है, अगला टॉपिक आइए, अगला टॉपिक है अंतराकाशीय ठोस विलयन। अंतराकाशीय ठोस विलयन का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, पहले आप स्ट्रक्चर से समझिए। इसमें ये होता है कि ठोस जो एक आपका जो विलायक होता है उसके अणुओं या परमाणुओं के बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, वहां जाकर के विलेय के ठोस या अणु परमाणु जाकर के वहां पे
उपस्थित हो जाते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका अंतराकाशी ठोस विलयन होता है। अंतराकाशी क्या होगा? तो अंतराकाशी ये है बेटा, ये जो इनके बीच की जो गैपिंग है इसको हम बोलते हैं अंतरा परमाणु स्पेस। अंतरा परमाणु स्पेस का मतलब होता है जगह या स्थान। ठीक, जब इस स्थान में, जब इन स्थानों में विलेय के ठोस या विलेय के अणु या परमाणु आकर के उपस्थित हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा अंतराकाशी ठोस विलयन है। ठीक है, अंतराकाशी ठोस विलयन है। अंतराकाशी ठोस विलयन में क्या होता है कि यहाँ पर विस्थापित नहीं होते। विस्थापित ठोस विलयन में, प्रतिस्थापित ठोस विलयन में क्या होता है कि एक जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अणु या परमाणु सॉल्यूट के अणु या परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। यानी एक ठोस विलयन, एक विलयन से जो एक ठोस के अणु परमाणु दूसरे ठोस के अणु परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। यहाँ विस्थापन नहीं होता। यहाँ क्या होगा कि पहले वाला जो ठोस है उसके अणु या परमाणुओं के बीच की जो जगह है उस जगह में जाकर के दूसरे ठोस के अणु, दूसरे ठोस जो आपका विलेय है उसके अणु या परमाणु जाकर के बैठ जाते हैं, वहां पे जाकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो ये हमारा अंतराकाशी ठोस विलयन होता है। तो अंतराकाशी ठोस विलयन को अगर आप लिखिए तो इसको लिखेंगे कि इस प्रकार के ठोस विलयनों में एक प्रकार के ठोस पदार्थों के अंतरा परमाणु स्पेस में, अंतरा परमाणु स्थान में दूसरे प्रकार के ठोस पदार्थों के अणु अथवा परमाणु जाकर, यानी अणु या परमाणु उपस्थित हो जाते हैं अथवा व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एक प्रकार का जो ठोस है उसके अणु या परमाणुओं के बीच की जो जगह है उस जगह में दूसरे पदार्थ का जो ठोस है उसके अणु या परमाणु जो है जाकर के उपस्थित हो जाएंगे और कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, ना डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ना प्रतिस्थापन करेंगे, ना एलिमिनेट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, केवल और केवल जाकर के जो जगह है वहां पर बैठ जाएंगे। कैसे? थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप इसको समझिएगा।
ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये जाकर के व्यवस्थित हो जाएंगे। ये क्या है, ठोस विलायक, ठीक, और ये क्या है, ठोस विलेय, और इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, अंतराकाशी, अंतराकाशी ठोस विलेय, ये बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जाकर के क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। जबकि प्रतिस्थापन ठोस विलयन में पहले वाले ठोस विलयन के अणु या परमाणु दूसरे वाले ठोस विलयन के अणु या परमाणुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों ही ठोस विलयन में। उदाहरण के तौर पर अगर देखिए तो उदाहरण के तौर पर आपको मिलेगा टंगस्टन कार्बाइड के धारक में टंगस्टन परमाणु का फलक, ठीक है, और कार्बन का, यानी उदाहरण के तौर पर अगर आप उसका उदाहरण लेंगे, उदाहरण आएगा पहला कार्बन के अपर रूप और दूसरा टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड। कार्बन के अपर रूप, अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल का डिस्कशन करें तो कार्बन के अपर रूप में क्या होता है, ऐसा ही होता है कि एक प्रकार का, भाई प्रकृति में कार्बन तीन रूपों में मिलता है, ठीक है, एक तो आपका कोयला हो गया, एक आपका कार्बन का अपर रूप हो गया, एक आपका हीरा हो गया। हीरा कब मिलता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, एक हीरा हो गया, डायमंड हो गया, और दूसरा हो गया आपका, मतलब तीसरा हो गया आपका ग्रेफाइट। अगर आप प्रॉपर्टी पे जाइए तो दो तीनों चीजें आपकी अलग अलग हैं। क्या रीजन है, रीजन यही है कि जब मिक्सिंग हो जाती है तो उसकी क्वालिटी डिपेंडेंट वैरी कर जाती है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर जाती है। तो कार्बन के अपर रूपों में अंतराकाशीय ठोस विलयन के बनने का ही एक कारण क्या होता है कि कार्बन के परमाणुओं के बीच में जाकर के कोई एक या एक से अधिक ठोस प्रकार का जो विलयन होता है वो क्या करता है, वो स्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो वहां जाकर जब बैठेगा तो वो पूरे की पूरे केमिस्ट्री में पूरे के पूरे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, ठीक है। ऐसे ही टंगस्टन कार्बाइड में, कार्बाइड और टंगस्टन, जो टंगस्टन के जालों में CO2 जो प्रेजेंट हो जाता है वो आपका टंगस्टन कार्बाइड बन जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी कार्बाइड से अलग हो जाती है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपका एग्जाम्पल है अंतराकाशीय ठोस विलयन। तो इस तरीके से आपने देखा कि हेनरीज लॉ के बाद हमने पढ़ा ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या है कि ऐसे विलयन जिसमें ठोस और ठोस के बीच में, ठोस और ठोस के मध्य में विलयन बन रहा है, ठीक है। तो ठोस और ठोस में जो विलयन बनेगा वो मुख्यतः दो प्रकार का होगा, वो है पहला कि प्रतिस्थापी ठोस विलयन क्या है और दूसरा अंतराकाशीय ठोस विलयन क्या है। प्रतिस्थापित ठोस विलयन में जहां एक तरफ एक प्रकार के ठोस के परमाणु और अणु दूसरे प्रकार के ठोस या परमाणु और अणु द्वारा विस्थापित होते हैं, वहीं अंतराकाशीय ठोस विलयन में एक प्रकार के ठोस के जो अणु या परमाणुओं के बीच में जो जगह है उस जगह पर दूसरे पर दूसरे प्रकार के ठोस के अणु या परमाणु जाकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आप कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहिए और चीजों को समझते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आएगा वो आएगा ठोसों का द्रवों के साथ में विलयन, ठोसों का द्रवों के साथ में विलयन, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।